नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूअर से सब्सक्राइबर से हमेशा हमेशा खुश रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे। दोस्तों, मैं अपने वीडियो के द्वारा आपको वो तमाम जानकारी देती हूँ जो आपके नॉलेज को बढ़ाती है, जो धर्म के रास्ते आपको अग्रसर करती है, आपके जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करती है। तमाम प्रकार के वार त्योहार हर समय एक नया वीडियो मैं अपलोड करती हूँ जो आपको तमाम जानकारियों से भरपूर कर देता है। अभी दोस्तों, ये पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। आपको एक बहुत बढ़िया बात बताने जा रही हूँ मैं, सुनने लायक है, जरूर सुने इसको। दोस्तों, सुनने मात्र से आपके पितृ शांत होते हैं, आपके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं, पितृ दोष आपकी लाइफ से चला जाता है। जिसकी भी लाइफ में पितृ दोष है दोस्तों, उसके घर में कभी खुशी नहीं होगी, धन नहीं होगा, घर में कले ही कले, रोग बीमारी, मतलब इंसान की जिंदगी से सुकून चला जाता है जहाँ पितृ दोष होता है। और इस उपाय को आप करके देखे दोस्तों, पितृ दोष बिल्कुल चला जाएगा इन श्राद्ध के दिनों में। अवश्य ही आप इस कथा को सुने, रिजल्ट देखे, रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया आएगा। और यदि आपको अच्छी लगती है मेरी बातें तो प्लीज लाइक करें वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें जो नए नए व्यूअर्स हैं, ताकि मेरी वीडियो आपके पास आसानी से पहुंचती रहे। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, प्लीज शेयर करें। दोस्तों, शायद तो आपने ये बात सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बता दूं, महाराज कर्ण जब उनकी मृत्यु हुई और जब वे स्वर्गलोक में गए तो उनकी आत्मा, हर व्यक्ति की आत्मा को भोजन चाहिए, पानी चाहिए, लेकिन स्वर्ग में उन्हें स्वर्ग तो मिला था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा था, पानी नहीं दिया जा रहा था। महाराज कर्ण को सोना चांदी कपड़े लत्ते लाद दिए गए, मतलब देते ही गए। उन्होंने सोचा अब मुझे भोजन मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। तो उन्होंने थक हार कर इंद्रदेव से पूछा कि ऐसा क्यों है, मुझे आप ये सब कुछ तो दे रहे हो, भोजन नहीं दे रहे हैं, जल नहीं दे रहे हो जो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इंद्रदेव ने कहा, हे महाराज कर्ण, जब आप पृथ्वी लोक पर गए थे आपने इन्हीं चीजों का दान किया, आपने अनाज का जल का दान नहीं किया, तो आपको कैसे मिलेगा? हर व्यक्ति को दोस्तों अपने कर्मों का ही फल मिलता है, अच्छे करोगे तो, बुरे करोगे तो इन्होंने जिस चीज का दान किया था वही उन्हें लौट लौट करके मिल रहा था। उन्होंने माफी मांगी भगवान से और कहा, मुझे मौका दो कि मैं अनाज का दान करूं और पानी का दान करूं। तब दोस्तों उन्हें 16 दिन दिए गए जो ये पितृ पक्ष के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें कर्ण पृथ्वी पर आए और 16 दिन उन्होंने अन्न का दान किया, तमाम तरह के पशु पक्षियों को खिलाया पिलाया, ब्राह्मणों को दान किया, गरीबों को भोजन करवाया, उसके बाद उनकी आत्मा को मुक्ति मिली। ये पितृ पक्ष है दोस्तों, कोशिश करें। अगर आप और कोई चीज का दान नहीं कर पाते हो, सिर्फ एक दीपक अपने घर में चौखट पर अवश्य ही जलाएं, काले तिल डाल करके जल दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रख करके अपने पितरों को दें, जो भी भोजन आप बनाते हैं उसे थोड़ा थोड़ा सा निकाल करके गाय को खिला दें। कुछ भी नहीं बना पाते हैं तो रोटी के ऊपर घी लगाएं, मोरस मतलब चीनी रखें, थोड़ा सा सिंदूर डाल दें और गाय को खिला दें पितरों के नाम पर। और जिस दिन आपके पितरों की तिथि है उस दिन उनकी संपूर्ण विधि करें। विधि करने के समय कुश की अंगूठी अपने अंगली में जरूर पहने, ब्राह्मणों को दान दे, गरीबों को भोजन करवाए, कौवों को गाठिया पितृपक्ष के दिनों में अवश्य ही दे। दोस्तों, ये आप लिख लें, ये जो 16 दिन है आपके पितृ आपके घर में आते अवश्य ही है। और ये जो कथा मैं आपको बताने के लिए जा रही हूँ, इसको आप बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, दो भाई थे, जोगा और भोगा। उन दोनों की पत्नियां, एक जो थी
थोड़ा दिखावा करने में ज्यादा मानती थी, जो जोगा की पत्नी थी, और भोगा की पत्नी अति धार्मिक स्वभाव की थी। जब श्राद्ध आए तो जो जोगा की पत्नी थी उन्होंने अपने पति से कहा कि मेरे पीहर में जितने लोग हैं सबको बुलाओ, हम सबको भोजन करवाएंगे और पितरों का भोजन निकालेंगे, उन्हें हम श्राद्ध देंगे। और उन्होंने जोगा अपनी पत्नी के पीहर में उन्होंने मैसेज भिजवा दिया, समाचार गए, तमाम लोग इकट्ठा हो गए। श्राद्ध के दिन खूब तरह तरह का भोजन बना, तरह तरह के पकवान बनाए गए। भोगा की पत्नी भी वहीं पर हाजिर थी, वो भी नहा धोकर सुबह से आ गई, उसने भी खाना पीना सब कुछ बना करके रेडी किया। लेकिन जब श्राद्ध निकलने वाला था उस समय भोगा की पत्नी अपने घर पर चली गई और वहां जाकर के वो तैयारी करने लग गई। जब श्राद्ध निकलने का समय हुआ दोस्तों, तो जो पितृ हुए वो आए। जोगा बड़ा था, उसके यहाँ पहले आए, लेकिन उन्होंने देखा कि जो श्राद्ध निकाला गया है वहां हमारे परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, पितरों के परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, वहां तो बहू के मायके वाले हैं, मतलब यहां तो सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। श्राद्ध जब भी निकाले अपने परिवार के सभ्यों को जरूर बुलाए, उन्हें अवश्य ही बुलाए जिन्हें आपके पितृ पसंद करते थे, जिन लोगों को आपके पितृ पसंद करते हैं, यदि वो उनके श्राद्ध में हाजिर नहीं है तो वो श्राद्ध कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने देखा कि यहाँ मेरा तो कोई है ही नहीं, पितृ दुखी दुखी हो गए और भोगा के यहाँ चले गए। उन्होंने देखा भोगा के यहाँ कुछ भी नहीं था, उन्होंने साधारण ढंग से कंडा जला दिया था, थोड़ा सा जल का आचमन किया और पितरों को प्रणाम किया कि हमारे पास तो खाने की रोटी भी नहीं है, हम किस चीज का भोग लगाएंगे। लेकिन जब वो श्राद्ध दे रहे थे उस समय पति पत्नी बच्चा सब वहां हाजिर थे, उन्होंने बेकार के लोगों को वहां इकट्ठा नहीं कर रखा था, ना ही किसी चीज का दिखावा कर रहे थे, मन से उन्हें जल दे रहे थे, मन से उन्हें रूखा सूखा जो था अर्पण कर रहे थे। पितृ प्रसन्न हुए कि भले ही ये लोग गरीब हैं पर ये मन से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें श्राद्ध दे रहे हैं। लेकिन वहां कुछ था ही नहीं खाने को, तो उन्होंने जो राख थी भस्म थी उसी को चाट लिया और वापस चले गए। गंगा के तट पर तमाम पितृ इकट्ठा थे, सब आपस में बातें कर रहे थे। वहां इन पितरों ने बात की आपस में कि जो दुनिया भर का दिखावा कर रहा है, सन्यत्र कर रही है जो औरत, उसके घर में इतना धन है और जो शुद्ध है पवित्र है उसके पास कुछ नहीं है, तो हमें उसे धन देना चाहिए ताकि वो अगले साल बहुत अच्छे से हमारा श्राद्ध निकाल सके, पूजा कर सके हमारी। सारे ही पितृ वापस आते हैं भोगा के घर और सारे ही पितृ प्रसन्न चित्त में एक ही शब्द बोलते हैं, कनक वृष्टि। वो सतत आवाज लगाते, हे धन बरसो, सोना बरसो, सोना बरसो, सोना बरसो, और चले जाते हैं। संध्या समय जब भोगा का बच्चा खाना मांगता है तो भोगा की पत्नी कहती है कि वहां जो कढ़ाई रखी है जा, वो उल्टी रखी हुई है क्योंकि उसके नीचे कुछ था ही नहीं, जो श्राद्ध में कंडे वगैरह जलाए थे उसकी भस्म ही थी, बोले जा उसके नीचे देख ले भोजन हो तो खा ले। उसे पता था वहां कुछ था ही नहीं, लेकिन वो बच्चा गया, जैसे उसने कढ़ाई उलटाई उसके नीचे सोना भरा हुआ था, सोना की मोहर रखी हुई थी। वे मोहरें अनगिनत मोहरों से जमीन ठसी हुई थी, उसके ऊपर वो कढ़ाई ढकी हुई थी। भोगे को इस तरीके से उनके पितरों ने पैसे वाला बना दिया, धनवान बना दिया, और दूसरे साल उन्होंने बड़े मन से श्राद्ध निकाला। तो दोस्तों, श्राद्ध के दिनों में यदि आप एक बार भी इस कथा को सिर्फ सुनते भी हैं तो भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और जैसे मैंने कहा है मन से उनका भोग निकालें, उनकी पूजा करें। पितरों की पूजा में या कोई भी पूजा में कभी दिखावा ना करें, मन से दे, लेने वाला जरूर ले लेगा,
पितृदोष हमेशा के लिए चला जाएगा। तो करते रहे इन उपायों को, करते रहे, खुश रहे। कहीं कोई ऐसी बात हो जो आपके समझ में ना आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। करते रहे, खुश रहे। जय श्री कृष्ण।